हम पाइनस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म में आता है। जिम्नोस्पर्म जैसे प्लांट्स का बहुत सारा ग्रुप है, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पांच ग्रुप प्लांट्स का पाया जाता है, ठीक है। थैलोफाइटा जो है एल्गी एंड फंजाई उसमें आता है, ठीक है। थैलोफाइटा बहुत ही कम डेवलप होता है, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में वास्कुलर बंडल शुरू होता है, ठीक है। वास्कुलर बंडल का ओरिजिन टेरिडोफाइटा से होता है। तो टेरिडोफाइटा सबसे फर्स्ट ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वास्कुलर बंडल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से सबसे डेवलप है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जिम्नोस्पर्म जो है वो जीरोफिटिक नेचर का होता है, मतलब मरुभूमि में पाए जाने वाले प्लांट्स जैसा इसका नेचर होता है, ठीक है। पेरिनियल होता है, मतलब बहुवर्षीय होता है। वुडी होता है, वुडी मतलब काष्ठीय बोलते हैं जिसको। ऑटोट्रॉपिक, ग्रीन कलर के लीफ पाए जाते हैं, इसलिए अपना फूड मटेरियल खुद बनाता है। स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक मतलब स्पोर बियरिंग ऑर्गेन इसमें पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो प्लांट्स है उसके लीव्स, दो टाइप के लीव्स पाए जाते हैं। कुछ स्केल लीव्स, ब्राउन कलर के लीव्स पाए जाते हैं स्केल लीव्स, कुछ फॉलियस लीव, फॉलियस लीव मतलब ग्रीन कलर का लीव्स। और इसके जो वास्कुलर बंडल है उसमें जाइलेम में वेसल्स एब्सेंट रहता है, और फ्लोएम में पेरेन कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। जाइलेम चार चीज़ों का बना होता है, हम जानते हैं। जाइलेम वेसल्स, ट्रैकिड, जाइलेम पेरेन्काइमा एंड जाइलेम फाइबर्स, ठीक है। तो इसमें वेसल्स जो है जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट रहता है। फ्लोएम चार चीज़ों का बना होता है, सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। उसमें कॉम्पेनियन सेल्स जो है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट रहता है, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू में। और जिम्नोस्पर्म का सबसे मेन कैरेक्टर क्या होता है, इसका ओव्यूल्स जो है वो ओवरी के अंदर नहीं पाया जाता। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स इसका नहीं पाया जाता है, नेकेड ओव्यूल रहता है, इसीलिए इसको जिम्नोस्पर्म बोला जाता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का मतलब ही होता है नेकेड ओव्यूल, ठीक है। इस तो अभी सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जो पाया जाता है उसका नाम है जामिया पिग्मिया। सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है जामिया पिग्मिया, जिसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो है उसका नाम है सिकोया जाइगेंटियम। सिकोया जाइगेंटियम को जायंट रेडवुड भी बोला जाता है, जायंट रेडवुड, क्योंकि बहुत ही टॉलेस्ट होते हैं। पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा ट्री, 125 मीटर हाइट होता है और 30 मीटर इसका चौड़ाई होता है। 125 मीटर हाइट, 30 मीटर चौड़ाई, और इसका एज होता है 4000 ईयर्स, 4000 ईयर्स इसका एज। इसका नाम है सिकोया जाइगेंटियम, ठीक है। अब हम इसमें पाइनस के बारे में देखेंगे। पाइनस जो है वो भी पेरिनियल प्लांट्स होता है। एरियल, एरियल मतलब सीधा खड़ा रहता है। ब्रांच, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाया जाता है। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, वुडी। पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप मतलब इस टाइप का शेप होता है। कोई भी जीरोपिटिक पाइनस वाला जो प्लांट होता है वो इसी टाइप का पिरामिडल शेप होता है, ठीक है। और इसमें दो टाइप के ब्रांचेस पाए जाते हैं। कुछ ब्रांचेस जो है उसको हम बोलेंगे अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, मतलब अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाएं लगातार वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, मतलब निश्चित वृद्धि वाली शाखाएं। दो टाइप के ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो जो लॉन्ग सूट होता है, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांचिंग जो है उसमें पूरा स्केल लीफ से ढका हुआ रहता है। ये ब्रांचेस जो है स्केल लीफ से ढका हुआ रहता है, और उससे उस जो स्केल लीफ्स है उसके एक्सिस से छोटे छोटे लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है। और लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांचेस जो है उसको हम ड्रॉप सूट भी बोलेंगे। मेन को बोलेंगे लॉन्ग सूट, और इसको क्या बोलेंगे, उससे जो निकलता है उसको बोलेंगे ड्रॉप सूट, ठीक है। ड्रॉप सूट में बहुत सारे ऐसे फॉलियस लीफ पाए जाते हैं। फॉलियस लीफ मतलब ग्रीन कलर का लीफ। इसके लीफ जो है एकदम नीडल शेप होता है। इसका लीफ जो होता है पतले लंबे लंबे ग्रीन कलर के नीडल से पॉइंटेड लीव्स रहता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नीडल, ठीक है, नीडल बोलते हैं। फॉलियस लीव्स और नीडल हो गया। इसका जो प्लांट्स है इसमें दो टाइप के सूट होता है। एक मेन जो सूट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग सूट और अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचिंग, और इसके स्केल लीव्स के एक्सिस से लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचिंग। अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचिंग में बहुत सारे ब्राउन लीव्स रहता है, ब्राउन लीव से घिरा रहता है,
और लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचिंग जो है उसमें ग्रीन कलर के फॉली स्लीप पाया जाता है। फॉली स्लीप एकदम ऐसे ही निडल जैसा होता है, इसको निडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि लंबे लंबे पॉइंटेड निडल जैसा इसका लीफ रहता है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी जैसे लंबे जो सूट रहता है उसमें मेल कोन, और जो छोटे छोटे ड्रॉप सूट रहता है उसमें फीमेल कोन पाया जाता है। ठीक है, फीमेल कोन के अंदर रहता है मेगास्पोरेंजिया और इसके अंदर मेगास्पोर और इसमें माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, हेट्रोस्पोरस टाइप ऑफ प्लांट्स होता है, हो गया। अब हम देखेंगे कि पाइनस का 105 टाइप का स्पेसीज पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 105 टाइप के स्पेसीज पाया जाता है, लेकिन हम इंडिया में 6 टाइप का स्पेसीज पाया जाता है। 6 टाइप ऑफ स्पेसीज ही इंडिया में पाया जाता है। सबसे पहला है पाइनस रॉक्स बार्गी। पाइनस रॉक्स बार्गी जो है इसको हम बोलेंगे चीर पाइन, चीर पाइन बोला जाता है। ये पाया जाता है वेस्टर्न हिमालय, नेपाल, भूटान में। दूसरा है पाइनस जिरार्डियाना, जिसको चिल गोजा पाइन बोलेंगे। एक चिल गोजा ड्राई फ्रूट्स टाइप का उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान में ये देखा जाता है। पाइनस वॉली चीनिया, सिल्वर फर, ब्लू पाइन और कैल बोला जाता है इसको। कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में और उत्तरांचल में देखा जाता है इसको। ठीक है, पाइनस आर्मंडाई, आर्मोंड स्पाइन बोलेंगे इसको। वेस्टर्न चाइना में इसको देखा जाता है। ठीक है, पाइनस इंसुलेरिस, इसको बोला जाता है खासी पाइन। खासी नागा हिल्स ऑफ आसाम एंड मणिपुर में ये पाइनस का स्पेसीज देखा जाता है। ठीक है, पाइनस मार्कुशी, पाइनस मार्कुशी को हम बोलेंगे मार्कस पाइन, या इसको बोला जाता है टेनरियन पाइन। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इस टाइप के पाइनस को देखा जाता है। ठीक है, इस टाइप से 6 टाइप्स के स्पेसीज होता है पाइनस का, जो कि इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पाइनस का एरियल ब्रांचेस देखें। अब हम देखेंगे इसके रूट्स। पाइनस में एक मेन रूट होता है जिसको हम बोलेंगे टैप रूट। डायकोट प्लांट्स है इसलिए टैप रूट पाया जाता है। ठीक है, टैप रूट में ज़्यादा रूट हेयर्स नहीं पाया जाता। इसमें ज़्यादातर जो लेटरल जो टैप रूट होता है, इससे जितने भी लेटरल रूट्स निकलते हैं ज़्यादातर ज़्यादा गहराई तक जाता ही नहीं। जो मिट्टी के सॉयल के थोड़ा सा गहराई जाएगा या सॉयल के सीधा सीधा आसपास ही लेटरल रूट्स जो है फैला हुआ रहता है। ठीक है, लेटरल रूट्स जो है सॉयल के ऊपर के हिस्से में ही बहुत दूर दूर तक ब्रांच फैला हुआ उसका रहता है। ठीक है, इस लेटरल रूट्स में माइकोराइजा पाया जाता है। उस माइकोराइजा को बोला जाता है एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा मतलब इसके ऊपर ही ऊपर में पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर टिश्यूज के अंदर ग्रो नहीं करता है। ऊपर ही ऊपर ग्रो करने वाले जो माइकोराइजा रहता है इसको हम बोलेंगे एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। ठीक है, ये जो लेटरल रूट्स जो जमीन के ऊपर ही चारों तरफ फैला हुआ रहता है उस रूट्स में माइकोराइजा फंगस पाया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। ये ज़्यादातर बेसिडियोमाइसिटिस फंगस का होता है, ग्रुप मेंबर्स होता है। ठीक है, ये फंगस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। फंगस किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में फंगस हेल्प करता है। और किस में हेल्प करता है, पैथोजन के अटैक से। कोई भी पैथोजन, बाहरी पैथोजन का अटैक नहीं होने देता है इस प्लांट्स के रूट्स में। और इसके बदले में फंगस क्या करता है, ये जो प्लांट्स फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है इससे फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है इस प्लांट से, होस्ट प्लांट से। ठीक है, ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, दोनों को दोनों से हेल्प मिलता है, ऐसे रहते हैं। तो इसका मेन रूट जो है टैप रूट होता है। बहुत ज़्यादा इसका रूट हेयर्स नहीं पाया जाता, बहुत ज़्यादा गहराई तक टैप रूट जाता नहीं, ऊपर ही ऊपर फैला हुआ रहता है। और ऊपर के लेटरल ब्रांचेस में एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो रूट टिप होता है वो रूट कैप से ढका हुआ रहता है। और अब देखेंगे जो ड्रॉप सूट होता है, इसमें जो ड्रॉप सूट होता है इसमें जो लीफ पाया जाता है नीडल लाइक, वो कभी कभी किसी किसी प्लांट्स में एक नीडल पाया जाता है। जैसे बहुत सारे स्केल लीव्स, स्केल लीव्स में एक ही नीडल लगा हुआ रहता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में ऐसा, स्पेसीज में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्केल लीव्स उसमें दो लीफ, दो नीडल। कुछ में ऐसा होता है बहुत सारे स्केल लीव्स इसमें तीन नीडल। कुछ में ऐसा होता है बहुत सारे स्केल लीव्स उसमें चार नीडल। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये होता है स्केल लीव्स का ग्रुप और उसमें उससे नीडल निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो प्लांट स्पेसीज के हिसाब से जैसे एक नीडल निकला उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोफोलियर टाइप। दो नीडल निकलता है बाईफोलियर। तीन नीडल निकलने वाले प्लांट्स को क्या बोलेंगे हम, ट्राईफोलियर।
चार नेडल को हम बोलेंगे क्वाड्रा फोलियर और पांच नेडल को बोलेंगे पेंटा फोलियर। ये पूरा था प्लांट्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एनाटोमी, एनाटोमी ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले एनाटोमी हम देखेंगे स्टेम का, स्टेम का डायकोट और जिम्नोस्पर्म दोनों के स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर ज़्यादातर सेम ही होता है, कुछ कैरेक्टर इसका अलग रहता है। ठीक है, इसके जो कॉर्टेक्स का भाग होता है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है रेजिन कैनल। ठीक है, रेजिन कैनल पाया जाता है, रेजिन कैनल जो है जिम्नोस्पर्म का स्पेशल कैरेक्टर है, वो डायकोट में नहीं पाया जाता। और इसमें वेसल्स एब्सेंट रहता है, इसलिए इस टाइप के जो वुड बनता है उसको बोलेंगे नॉन पोरस वुड। ठीक है, वेसल्स बहुत सारे जो वेसल्स रहते हैं उससे प्लांट्स का जब सेक्शन करेंगे, एनाटोमी देखेंगे, तो ये पूरे पोर, बहुत सारे पोर दिखता है, लेकिन वेसल्स एब्सेंट है इसलिए नॉन पोरस, कोई पोर नहीं दिखेगा इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और फ्लोएम में एक टाइप का सेल्स पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सेल। कॉम्पिनियन सेल एब्सेंट रहता है फ्लोएम में, लेकिन एक दूसरे टाइप का सेल पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, और प्रोटोजाइलम में एन्यूलर एंड स्पाइरल ट्रैकेट्स। प्रोटोजाइलम में दो टाइप के ट्रैकेट्स पाए जाते हैं, एनुअल एंड स्पाइरल ट्रैकेट्स। और मेटाजाइलम में बॉर्डर पिट्स प्रेजेंट रहते हैं। बॉर्डर पिट्स मतलब ये जो स्टेम है इसके किनारे किनारे छोटे छोटे पोर, बहुत सारे होल टाइप का पाए जाते हैं, इसको हम बोलेंगे बॉर्डर पिट्स। ठीक है, एन्यूलर एंड स्पाइरल थिकनिंग मतलब क्या है, थिकनिंग मतलब क्या है, जो ट्रैकेट्स है नॉन डेड मटेरियल का बना हुआ होता है, लिग्निफाइड ट्रैकेट्स, इसमें एन्यूलर थिकनिंग, इस टाइप का थिकनिंग पाया जाता है, इसको हम बोलेंगे एन्यूलर थिकनिंग। और स्पाइरल मतलब उसके अंदर ऐसे स्पाइरल शेप का थिकनिंग पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे एन्यूलर एंड स्पाइरल ट्रैकेट्स प्रोटोजाइलम में। और मेटाजाइलम में क्या पाया जाता है, बॉर्डर पिट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर को। स्टेम के जब इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो सबसे बाहर रहता है क्यूटिकल। क्यूटिकल इसका बहुत ही स्ट्रांग होता है, एकदम थिक क्यूटिकल का बना हुआ ऊपर का कवर रहता है। ठीक है, क्योंकि जीरोफिटिक कैरेक्टर है, ये भी इसका जीरोफिटिक कैरेक्टर होता है। उसके बाद रहता है सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद है कॉर्टेक्स, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है कॉर्क। ठीक है, मोटे कॉर्क लेयर पाया जाता है जो लिग्निफाइड होता है। उसके बाद रहता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में रहता है रेजिन कैनल, ये इसका जिम्नोस्पर्म का एक स्पेशल कैरेक्टर है। कॉर्टेक्स में रेजिन कैनल पाया जाता है, बड़े से पोर वाले रेजिन कैनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद रहता है प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के बाद सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के बाद ये सब रहता है। इसमें क्या बोलेंगे हम, ये सेकेंडरी ग्रोथ है ये। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब सबसे बाहर, जैसे सेकेंडरी, ऐसे सेकेंडरी ग्रोथ को थोड़ा सा इसमें किस टाइप का होता है देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो वस्कुलर बंडल है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंडर कैन ओपन, इस टाइप का वस्कुलर बंडल पाया जाता है, रिंग में पाया जाता है। ठीक है, अंदर की ओर जाइलम रहता है, बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम, और बीच में कैम्बियम, इसको हम बोलेंगे फैसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो बीच में कैम्बियम जो एक्टिवेट होना चालू हो जाता है तो इसके चारों ओर बनता है ग्रोथ रिंग, इस टाइप का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। ठीक है, कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डिवीजन करके अंदर की ओर बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, इस टाइप से इसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ठीक है, अब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से बाहर क्या बनता है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम से बाहर बनता है कॉर्क, अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। पूरे उसी टाइप का डायकोट में जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है स्टेम में, उसी टाइप का सेकेंडरी ग्रोथ इसमें भी पाया जाता है, बस थोड़ा सा अलग क्या होता है, इसके जो कॉर्टेक्स होता है उसमें रेजिन कैनल पाया जाता है और इसमें वेसल्स एब्सेंट रहता है बस। ठीक है, इस वेसल्स एब्सेंट रहने से क्या हो जाएगा, अंदर का जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनता जितना डायकोट स्टेम में बनता है। ठीक है, ये था इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे अंदर रहता है पीथ, बहुत सारे मेडुलरी रेस, इसमें मेडुलरी रेस की संख्या भी बहुत ज़्यादा होता है। इस ऑटम स्प्रिंग, ऑटम स्प्रिंग और दो टाइप के स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड रहता है, पूरे सेकेंडरी ग्रोथ जैसा होता है इसमें उसी टाइप का ही पाया जाता है। ठीक है, अब हम ये है ओल्ड स्टेम मतलब लॉन्ग स्टेम जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर,
और ड्रॉप सूट का भी इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है। ड्रॉप सूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में छः वास्कुलर बंडल बनता है जो कॉन्जॉइन कोलेट्रल एंडर कैन ओपन होता है। स्क्लेरीफॉर्म ट्रैकेट्स, जाइलम का ये स्क्लेरीफॉर्म ट्रैकेट्स है, ठीक है। और स्केल लीव्स, बाहर स्केल लीव्स रहेगा, बाकी कुछ अलग उतना नहीं है। क्या है, रेजिन कैनल्स इसमें बहुत कम पाया जाता है और टैनिन की मात्रा बहुत, टैनिन सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और मेडुलरी रेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ड्रॉप सूट में। ऐसे पाइनस में मेडुलरी रेस थोड़ा ज़्यादा होता ही है, लेकिन ड्रॉप सूट में लॉन्ग सूट के हिसाब से और ज़्यादा होता है, ठीक है। और कुछ अलग उतना नहीं है, बस रेजिन कैनल की मात्रा कम और टैनिन सेल्स की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली ये दोनों को देखने से, ठीक है। बाकी पूरा इसका स्ट्रक्चर सेम होता है। ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अब हम देखेंगे स्टेम को, इसके स्टेम को थोड़ा डीपली दिखाया गया है। जैसे TLS पिथ इज नॉट RLS ऑफ पाइनस स्टेम, ठीक है। RLS का मतलब क्या होता है, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में उस भाग को दिखाया गया है जहाँ की कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स वो सब बना, ठीक है। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, कॉर्क कैम्बियम के ग्रोथ के बाद जो बनता है उसको इसमें दिखाया गया है। यह है सी प्लेट, ठीक है। यह है बॉर्डर पिट्स, ट्रैकेट्स में बॉर्डर पिट्स, ट्रैकेट्स वेसल्स, ये सब चीज़ें हम लोग जाइलम फ्लोएम कैम्बियम में देखे हैं, ठीक है। ट्रैकेट जो है लिग्निफाइड सेल्स होते हैं लंबे लंबे, और उसमें बहुत सारे पोर रहता है जिसको पिट्स बोला जाता है। बॉर्डर में जब पिट्स रहता है उसको बॉर्डर पिट्स बोलेंगे, ठीक है। और इसमें थिक वॉल सेलुलोज का ट्रैकेट्स बना होता है, ये कैम्बियम, जो कैम्बियम बना है। उसके बाद यह है सी प्लेट, सी प्लेट, सी प्लेट में कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट रहता है। एक नए टाइप के सेल पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सेल, ये दिखाया गया। यह है मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस क्या होता है, बहुत सारे जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, और कुछ ऐसे सेल भी बनता है जो लास्ट से अंदर से बाहर तक फूड मटेरियल सप्लाई करता रहता है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे मेडुलरी सेल्स, वो कैम्बियम सेल से ही बनता है। कैम्बियम सेल दो टाइप के सेल का बना होता है, एक रे इनिशियल सेल और दूसरा फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल। कैम्बियम सेल दो टाइप का होता है, रे इनिशियल सेल जो है उससे बनता है मेडुलरी रेस, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल से बनता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो यह है मेडुलरी रेस, ठीक है। इसमें स्टार्च सेल पाया जाता है, और इसके बाद ये है फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमाटा सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स जैसा ही होता है, तीन लेयर और एक्टिव होता है, लिविंग सेल्स होता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे RLS ऑफ पाइनस स्टेम। ये दिखाया गया है ट्रैकिड्स, ठीक है। ट्रैकिड्स जो है हम जानते हैं वो सेल्स जो है लिग्निफाइड्स, मोटे मोटे सेल्स होता है, नॉन लिविंग मोटे मोटे सेल्स होता है ट्रैकिड्स। जाइलम चार भागों का बना होता है, उसमें एक होता है ट्रैकिड्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे पिट्स पाए जाते हैं, और पिट्स के बीच बीच में मोटे मोटे थिकनिंग पाया जाता है, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है पाइनस का, ठीक है। इस जो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ थिकनिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, बार्स ऑफ सेनियो, बार्स ऑफ सेनियो। ट्रैकिड्स के जो पिट्स रहता है, ट्रैकिड्स में बहुत छोटे छोटे पिट्स रहता है, पिट्स मतलब एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड्स के बीच के बीच में छोटे छोटे पोर पाया जाता है दोनों सेल के कनेक्शन के लिए। तो इस पीट्स के, दोनों पीट्स के बीच में इसमें मोटे मोटे थिकनिंग पाया जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, बार्स ऑफ सेनियो। और ये है ट्रैकिड्स का वॉल, ठीक है। ट्रैकिड इस बार्स ऑफ सेनियो को दिखाने के लिए ही इस डायग्राम को दिखाया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे TLS ऑफ पाइनस स्टेम। TLS मतलब इसको बहुत डिटेल ट्रैकिड्स को अंदर से दिखाया गया है, जैसे ट्रैकिड्स के है पीट्स, पीट्स, ठीक है। बड़े बड़े पोर पाया जाता है दूसरे ट्रैकेट से इसका लिंक के लिए, ठीक है। इस पिट्स के अंदर बहुत सारे सेल पाया जाता है, यूनि सेरिएट मेडुलरी रेस बोलेंगे। यूनि सेरिएट मतलब एक ही लाइन में एक के साथ एक जुड़ा हुआ बहुत सारे सेल। उस सेल्स के अंदर क्या रहता है, एल्ब्यूमिनस सेल रहता है, ऊपर और नीचे एल्ब्यूमिनस सेल, और बीच के जो सेल्स है उसके अंदर स्टार्च भरा रहता है, लंबे लंबे सेल्स रहते हैं, ठीक है। और इस पिट कनेक्शन, बीच बीच में पिट कनेक्शन, और कुछ सेल्स ऐसा रहता है यूनिसेरिए जिसमें इलोंगेटेड नैरो स्टार्च प्रेजेंट रहता है, और ऊपर और नीचे एल्ब्यूमिनस सेल पाया जाता है। और कुछ सेल ऐसा रहता है जिसको हम बोलेंगे रेजिन कैविटी, ठीक है, रेजिन कैविटी। इसको मल्टी सेरिएट बोला जाता है, मल्टी सेरिएट मेडुलरी रेस। और कुछ इसमें
जैसे ट्रैकेट्स है, ट्रैकेट्स के पिट्स है, उसके बीच में कुछ इस टाइप के वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर लिग्निन भरा हुआ रहता है, इसको हम बोलेंगे टोरस, ठीक है। यूनिसेरिएट सेल मेडुलरी रेस, मल्टीसेरिएट मेडुलरी रेस जिसमें रेजिन कैनल पाया जाता है, यूनिसेरिएट में दोनों साइड में एल्बुमिनस सेल और बीच के सेल्स जो है यूनिसेरिएट होता है, उसके उसमें स्टार्च भरा हुआ रहता है, ठीक है। और कुछ सेल में इसके अंदर लिग्निन पाया जाता है, बहुत ही मोटा स्वॉलेन होता है और उसको बोलेंगे टोरस। और ये सब दिखाया गया है पिट्स, ठीक है। इलोंगेटेड ट्यूब्स रहता है ट्रैकेट्स, लिग्निफाइड और नॉन लिविंग रहता है, इसके बीच बीच में ऐसे पोर रहता है जिसको हम बोलेंगे पिट्स, ठीक है। था इनका स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे लिप का इंटरनल स्ट्रक्चर। लिप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर कुछ अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग टाइप का शेप होता है, लेकिन हम देखेंगे पाइनस रॉक्स बार्गी। पाइनस रॉक्स बार्गी में लिप का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइंगुलर होता है, ठीक है। ट्राइंगुलर लिप जो है जीरोफिटिक कैरेक्टर वाला होता है, इसलिए एपिडर्मिस जो है इसमें इसके ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है और बहुत ही मोटा थिक क्यूटिकल राइज थिक सेल पाया जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। और सनकेन स्टोमेटा, ये भी जीरोफिटिक कैरेक्टर, मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ स्टोमेटा पाया जाता है। और इसके नीचे जो स्टोमेटा रहता है उसके नीचे नीचे एक कैविटी रहता है जिसको हम क्या बोलेंगे, सब स्टोमेटल कैविटी हो गया। अब ये जो एपिडर्मिस रहता है ये भी बहुत थिक होता है, उसके नीचे रहता है स्क्लेरेनकाइमाटस हाइपोडर्मिस। कुछ सेल कुछ लेयर स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स का रहता है जिसको हम क्या बोलेंगे, स्क्लेरेनकाइमाटस हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस के नीचे बहुत सारे मेसोफिल सेल पाया जाता है, बहुत सारे 4-5 लेयर का मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल जो है वो पॉलीगोनल होता है, पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे अलग अलग, मतलब गोल नहीं है, बहुत सारे इसका ही रहता है, इसको पॉलीगोनल बोलेंगे, ठीक है। पेरेनकाइमाटस सेल्स होता है और बहुत सारी इनर फोल्डिंग, जिस टाइप का फोल्डिंग पेरेनकाइमाटस सेल्स रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है, अंदर पेग लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा रहता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर रहता है ये है एंडोडर्मिस, यूनी लेयर एंडोडर्मिस, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लेयर का पेरिसाइकिल पाया जाता है, मल्टी लेयर पेरिसाइकिल, ठीक है। पेरिसाइकिल के अंदर ये जो वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल में मेडुलरी रेज पाए, ये मेडुलरी रेज है, ये मेटाजाइलम मोटे मोटे और नीचे प्रोटोजाइलम, ठीक है। और क्या पाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बीच में जो लिग्निफाइड होता है, लिग्निफाइड मतलब लिग्निन का बना हुआ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, लेटरल कॉन्डक्शन, मतलब दोनों साइड में कॉन्डक्शन, जैसे ऊपर जाने को वाटर एंड मिनरल जब ऊपर की ओर जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, अपर कॉन्डक्शन, जब नीचे आता है लोअर कॉन्डक्शन, और जब साइड में कॉन्डक्शन होता है उसको हम बोलेंगे लेटरल कॉन्डक्शन। तो लेटरल कॉन्डक्शन किससे होता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू से, ठीक है। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं, सबसे बाहर है क्यूटिकल, उसके बाद एपिडर्मिस, सनकिन स्टोमेटा जिसमें स्टोमेटल कैविटी में कैविटी पाया जाता है, हाइपोडर्मिस, क्लेरेनकाइमाटस, पेरेनकाइमाटस, मेसोफिल जो कि इनर फोल्डिंग, बहुत सारे फोल्डिंग पाए जाते हैं, पॉलीगोनल शेप का होता है, सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल मल्टी लेयर, उसके अंदर वस्कुलर बंडल, ज़्यादातर दो वस्कुलर बंडल पाया जाता है, ये मेटाजाइलम अंदर की ओर प्रोटोजाइलम, और बीच में कुछ अलग टाइप का टिश्यू पाया जाता है लिग्निफाइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, जिसका काम होता है लेटरल कॉन्डक्शन, ठीक है। ये था लिप का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम लास्ट देखेंगे पाइनस के रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में बाहर की ओर बहुत सारे रूट हेयर पाया जाता है, ठीक है, सिंगल सेल रूट रूट हेयर। अब रूट हेयर किससे जुड़ा हुआ रहता है, एपिब्लेमा, मतलब जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं हम लोग स्टेम और लीफ में, उसको रूट में बोला जाता है एपिब्लेमा, ठीक है। उसके अंदर रहता है कॉर्टेक्स, कुछ लेयर कॉर्टेक्स रहता है, उसके बाद सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर पेरिसाइकिल, और इसके अंदर रहता है वास्कुलर बंडल, बीच में मेटाजाइलम, बाहर प्रोटोजाइलम, ठीक है। और यह है फ्लोएम, तो इसमें भी रेजिन कैनल पाया जाता है, जिस जगह में प्रोटोजाइलम पाया जाएगा उसी के किनारे किन लास्ट में रेजिन कैनल, रेजिन कैनल का जो प्रेजेंट है वो बस उसका जिम्नोस्पर्म का स्पेशल टाइप ऑफ
कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखो इस जगह में रहता है कॉन्जक्टिव टिश्यू, इस जगह में कॉन्जक्टिव टिश्यू बनता है। तो कॉन्जक्टिव टिश्यू से कैम्बियम, इसका जब सेकेंडरी ये है पाइनस का जो रूट है उसका प्राइमरी रूट, जब सेकेंडरी रूट होता है रूट में क्या बनता है, ये जो कॉन्जक्टिव टिश्यू है इससे कैम्बियम रिंग बनता है, ठीक है। और एक कैम्बियम किससे बनता है, पेरिसाइकिल के एक्टिविटी से। पहला कैम्बियम रिंग बनेगा, प्राइमरी कैम्बियम रिंग बनेगा कॉन्जक्टिव टिश्यू से, इससे बनता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, और दूसरा पेरिसाइकिल से जिसको हम बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम से क्या बनता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क, ये सब चीज़ें पेरिसाइकिल के एक्टिविटी से बनेगा, और कॉन्जक्टिव टिश्यू के एक्टिविटी से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। इसको ऐसे देखते हैं, जो कॉन्जक्टिव टिश्यू है ये डिवीजन करके क्या बनाएगा, कैम्बियम, कैम्बियम से क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। और अब ये जो पेरिसाइकिल सेल है, पेरिसाइकिल जो यूनिलेयर्ड है इससे क्या बनता है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम से बाहर की ओर बनेगा कॉर्क और अंदर बनेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्क को बोलेंगे फेलेम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलेंगे फेलोडर, और कॉर्क कैम्बियम को बोलेंगे फेलोजेन, तीनों मिलके बनता है पेरिडर। इस टाइप से इसका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी जो है पाइनस का कंप्लीट हो जाता है।